प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को मिली है रिलैक्सेशन आरओसी फाइलिंग्स में, तो मैं बताने जा रहा हूं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली, कृपया इसे एंड तक देखें। जी दोस्तों, अभी हमारा रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए ने अपना सर्कुलर जारी करा है 22/2021 जिसके अंदर उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की जो हमारी एनुअल रिटर्न फाइलिंग यानी कि जिसको हम आरओसी कहते हैं आम भाषा में, आरओसी फाइलिंग की जो डेट है उसको बढ़ा दिया है। दोस्तों जो पहले 31 दिसंबर 2021 हुआ करती थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, जी अगर आपको अपने फाइनेंशियल्स आरओसी में फाइल करने हैं, अपनी रिटर्न फाइलिंग्स आपको करनी है, एओसी 4 फाइल करना है, एमजीटी 7 फाइल करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने दोस्तों जो बढ़ा के डेट कर दी है 15 फरवरी 2022 कर दी है आप अगर एओसी 4 फाइल कर रहे हैं, और 28 फरवरी 2022 कर दी है एमजीटी 7 और 7A के लिए। इन्होंने ये सर्कुलर अभी रिसेंटली निकाला है जिसके बेसिस पे आरओसी फाइलिंग्स यानी कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग्स की डेट को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों एक ये रिलैक्सेशन मिला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कि वो अब अपने फाइनेंशियल्स अपलोड कर सकते हैं एओसी 4 और एमजीटी 7, जो भी अब डेडलाइंस थी 31 दिसंबर, उसको हटा के उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 फरवरी और 28 फरवरी इन दोनों केसेस के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।